आप देख रहे हैं डीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ देवयानी चौबे। भारत के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने 15 अगस्त के दिन शाम को 7:29 पर इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट ली। इनके फैंस को इस बात से काफ़ी दुख पहुंचा। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक धोनी अब 19 सितंबर से शुरू हो रहे आईपीएल में खेलते नजर आएंगे। चेन्नई सुपर किंग को 3 आईपीएल का खिताब दिला चुके धोनी की नज़रें इसमें एक बार और खिताब जोड़ने पर होंगी। धोनी के आईपीएल में बल्लेबाजी को लेकर भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने गेंदबाजों को एक सलाह दी है। लेफ्ट हैंड ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा है कि इस साल आईपीएल में गेंदबाजों को एमएस धोनी का सामना करते समय सावधान रहना चाहिए। धोनी जब भी आईपीएल में खेलते हैं तो मुझे लगता है कि सभी बॉलर, यहां तक कि मेरे जैसे रिटायर खिलाड़ी भी बहुत खुश होंगे कि वो उनके खिलाफ गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। वैसे भी जब चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हैं तो वह इसका पूरा आनंद लेते हैं। मैं इस आईपीएल में वास्तव में उन्हें बैटिंग करते देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। सभी गेंदबाज सावधान रहें। इसी शो में भारत के पूर्व बल्लेबाज बीबीएस लक्ष्मण ने कहा है कि संन्यास के बाद जब धोनी आईपीएल में खेलने उतरेंगे तो जोश उस समय चरम पर होगा। CSK के सबसे सफल फ्रेंचाइजी होने का एक कारण यह भी है कि उनकी लीडरशिप धोनी जैसे कप्तान के हाथ में है। धोनी जब भी खेलने उतरते हैं तो वो अपनी टीम को जिताने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। लक्ष्मण के मुताबिक धोनी जब तक खेलेंगे तब तक CSK की कप्तानी ही करते नजर आएंगे। इस IPL में उनके हर मूवमेंट पर काफ़ी बारीकी से नज़र रखी जाएगी जिससे उनके हर क्रिकेट फैंस को काफ़ी खुशी होगी। इसलिए यह IPL धोनी के लिहाजे से भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। IPL में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।